have done saga for the students as well as the staff. Then it was second event. Our second event was the student inter-college badminton tournament. All my colleagues from this host college, my dear all participating students, the Department of Physical Education of this college, a very good morning and Assalamu Alaikum. At the very outset, I would like to congratulate the management of the college, the Department of Physical Education, for having organized this kind of an event. Secondly, I would like to congratulate, and I take this opportunity here. I welcome director of colleges, principals of various colleges to this institution. जी, मेरा नाम सुजीला हमीद है और मैं थर्ड सेमेस्टर अमर सिंह कॉलेज से हूँ। और ये जो टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स के लिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। जब भी हमने देखा है कि लड़कों को ही आगे ले जाते, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लड़कियों को आगे ले जाने के लिए। और ऊपर से जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी, वो भी ब्रेक हमें मिला, बहुत लंबा ब्रेक मिला, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे लिए और हमें अपना हुनर दिखाने के लिए। जी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके आए हैं और ये कॉन्फिडेंस अपने आप पे होता है कि हम कैसे वहाँ पे दिखाएंगे, जाहिर करेंगे। हार जीत तो होता रहता है, बट पार्टिसिपेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वो हम इस टाइम करें कि हम पार्टिसिपेट करें, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। वुमेन्स कॉलेज एम ए रोड श्रीनगर ने आज फीमेल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें 12 टीम्स खेल रही हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द रिजम्पशन ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द स्पोर्ट्स द प्लेयर्स वेयर इंडोर्स फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द इनिशिएशन ऑफ दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो आने वाले वक्त में आप सिर्फ यही एक टूर्नामेंट नहीं देखेंगे, बल्कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स का इनेकाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रही है, जिसमें हम क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट और सारे टूर्नामेंट्स, जिनसे हम जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं, जिनको बूस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। आज के डेट में हमारा ये है, वी विल लाइक टू इम्प्रेस अपॉन द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ आवर कॉलेजेस, that they have to take part in these sports activity with all vigor, with all enthusiasm, so that they can professionalize this activity, so that they will be in a position to earn bread and butter for themselves and laurels for their family, for their college and for their state, for their nation. They must be in a position. Time has come when they cannot restrict this activity only for the physical fitness. They have to play with this aim and objective that they can earn bread and butter for themselves. Aur aaj ke date mein supporters jo hain, everybody should concentrate. It is not the question of only the students or the youngest. Even the people who are working in the offices, who are employees of the various organizations, they must also try to participate. For example, badminton, agar badminton ki baat hum karenge, badminton mein it takes only 1 hour to play a badminton, or volleyball ki baat karenge, badminton mein you take only 2 players
टू प्ले बोर्ड बैडमिंटन मैच। तो अगर आप क्रिकेट की बात, चलिए हम उसमें कहेंगे कि उसमें आपको पूरा दिन जा सकता है या उसमें आपको यू नीड 22 प्लेयर्स, बट इफ़ यू प्ले बैडमिंटन और इफ़ यू प्ले एनी अदर गेम वाई डिन यू कैन कंज्यूम लेसर पीरियड ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम यू आर गिविंग एम्फेसिस, यू आर इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूर सेल्फ।